अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मजे में? या जब से आपका भाई कराची आया है ना, मतलब कराची का जो बाहर का स्ट्रीट फूड और जो खाना होता है ना, अभी तक हमारी जबान पे नहीं लगा है, समझ रहे हैं? मतलब क्रेविंग जो है ना हो रही है बड़ी टाइट वाली। तो आज हमने जो है ना दोस्तों के साथ प्लान कर लिया, VIP सेटअप के लिए जा रहे हैं। बेगम मैं जा रहा हूँ, आप आते सर अपने वीडियोस और ब्लॉग में लग गए। आपने आते सर दिखाना था डॉक्टर को, आपने दिखाया। यार वो डॉक्टर सही हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ यार। कराची आने के साथ जान आ गई मेरे अंदर। यार वैसे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है अगर आपकी बेगम आपसे बात नहीं करे। यार बेगम ताली मारे यार इसी बात से, ताली। मजाक कर रहा हूँ बेगम, कल पक्का दिखा दूंगा सुबह जाके डॉक्टर के पास, ठीक है? पक्का कमिटमेंट, डन। नाराज तो नहीं है आप? चले पर डन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मतलब बंदा सफर से वापस आए और दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ के किस्से कहानियाँ शेयर ना करे तो ऐसा हो सकता है क्या यार? लेकिन दोस्तों के पास जाने से पहले मैं जा रहा हूँ VIP पॉप्सिकल पे, क्योंकि UK से हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं और वो सारे के सारे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे फिर जाएंगे आगे। दोस्तों ने कहा था 8 बजे पहुंचना है और अभी टाइम क्या हो गया, 7:41, तो यहीं पे हो गए। हाफ आवर लेटर भाई UK के दोस्तों से मुलाकात हो गई। बड़ा मजा आया उनके साथ गप्पे शप्पे लगाने में। उन्होंने एक शिकायत की कि मुस्तफा भाई आप बर्मिंगम आइएगा, इस दफा आप पिछली मरतबा भी मार्केट से शॉर्ट हो गए थे, बर्मिंगम नहीं आए थे, तो जरा हमें भी मौका दें खिदमत करने का। तो मैंने बोला ठीक है, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अब जा रहे हैं भाई दोस्तों को पिक करने। मैं तो दोस्तों को लेने आया था, ये नॉन PTA दोस्त आ गया। कैसे हो बेटा? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे नॉन PTA से याद आया कि जैसे ही मैं US से पाकिस्तान लैंड हुआ, मेरे मोबाइल पे सिग्नल ही नहीं है। इसका मतलब कि 2 महीने पूरे हो चुके हैं मेरे 15 को और अब मैंने इसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो बस कल इंशाल्लाह इसकी ड्यूटी पे करते हैं ताकि मोबाइल के सिग्नल वापस आ जाए। बेटा ये छिछोरापन बंद करो और आके गाड़ी में बैठ जाओ। लॉक तो खोलो। ये तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमने गाड़ी को अंदर से लॉक किया होता है। मतलब आमिर भाई अपनी दुकान बंद करके बैठे हुए हैं और ये सारा बारबेक्यू का सेटअप यहाँ पे तैयार रख के बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? लोग पूछ रहे थे कि आमिर को मार्केट से किधर शॉर्ट कर दिया है। आमिर गया था फैमिली के साथ ट्रिप पे, यार घूमने फिरने गया हुआ था। हाँ यही है, अभी आ गया ही वापसी। अस्सलामुअलैकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? सलमान भाई हाथ दिखाइए, आपके हाथ का जादू देखना है, दिखाएंगे ना? बस डन हो गया, डन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक ठाक भाई। सारा सामान जो है ना हमने बारबेक्यू का लोड कर दिया, सही है? यूसुफ बेटा तुम्हारी ड्यूटी पीछे डाले में लगी है। आ जाओ मेरे बच्चा। भाई रास्ते में हमें याद आया कि चपाती तो हमने ली नहीं है, तो एक जगह पे रुक गए। ये देखिए आमिर भाई ले रहे हैं चपाती यहाँ से। ये देखे भाई चपातियाँ उड़ के आ रही है नीचे। आये हाय हाय, कितनी बड़ी बड़ी चपाती है यार, जबरदस्त। आमिर कितनी ली है चपाती? 12। भाई रात के कितने बज गए हैं इस वक्त? 9:39 हो गए हैं। अभी तक हम लोग उस स्पॉट पे पहुंचे ही नहीं है जहाँ पे हमने बारबेक्यू करना है। अभी एक जगह पे रुके हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, लेकिन बारबेक्यू की टेंशन नहीं है क्योंकि सलमान भाई 15 मिनट में कहानी जो है ना मुका देते हैं, है ना? ऐसे ही है ना यूसुफ? मैं तुम्हें बोला था ना कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं ज्यादा कुछ ले नहीं सका, मतलब ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैंने यूसुफ के लिए कुछ लिया है। ठीक है दिखाता हूँ। ये बच्चा है ना, असल में ये देखें क्या लिखा हुआ है, सोर पैच किड्स। सही है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बड़ों वाले गिफ्ट देंगे, अभी तुम बच्चे हो। तो ये लो यूसुफ, खुश हैं आप? हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू, यू आर वेलकम, वेलकम। अच्छा मैंने ये देखा यूसुफ का दिल बहुत बड़ा है, देखें अभी खोलेगा और सबको खिलाएगा। ये देखें दिल हो तो यूसुफ भाई जैसा है यार, मतलब सबको खिलाएंगे, अभी अभी बांट देंगे सब कुछ। खोलो खोलो जल्दी यार, इंतजार नहीं हो रहा। खोलो खोलो, मैं खोल देता हूँ, मसला नहीं। लेकिन ये जो भी है ना VIP होगा, क्यों खट्टा खट्टा होगा। वाह भाई वाह। तो यार ये ब्लू वाला जो है ना, ब्लू वाला बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं कितना खट्टा है। बहुत खट्टा होगा पता है। बचपन के दिन जो है ना याद आ गए, बहुत मजे का यार, है ना? ये जेली तो बड़ी मजे की थी यूसुफ, जो दूसरा पैकेट दिया वो अभी खोलोगे या बाद में खोलोगे? पहुंच गए भाई। आज जो है ना हमने स्पॉट थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, ठीक है? वो सामने समंदर है जो कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है। ये बाय द वे वही जगह है जहाँ पे हमने रेवो के अंदर पूरा का पूरा 5-स्टार रेस्टोरेंट बना दिया था और बेगम के साथ डिनर किया था। तो आज जो है ना यहाँ पे हम लोग दोस्तों के साथ डिनर करेंगे। भाई देखें अभी जो है ना हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:55। अब सलमान भाई का कमाल देखते हैं कि कितनी देर में बोटियां तैयार करते हैं। सलमान भाई 9:55 हो रहे हैं, कितनी देर में पहली बोटी उतर जाएगी रेडी होके? आप बताएं, चैलेंज आ जाओ 20 मिनट में। भाई 9:55 से 20 मिनट लगा लो, कितने हुए? इसका मतलब ये हुआ कि अभी 9:55 हो रहे हैं और 10:15 में पहली बोटी तैयार होके हमें मिल जाएगी, और ये चैलेंज है सलमान भाई का। भाई जब हम लोग कभी दोस्त बारबेक्यू बना रहे होते हैं ना, तो 15-20 मिनट तो हमें सिर्फ आग जलाने में लग जाते हैं।
भाई सलमान भाई ने तो सीरियसली जो है ना चैलेंज जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। ये देखे भाई 9:58 हो रहे हैं, आग भी लगना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे इन्होंने जो है ना बोटियां भी लगाना स्टार्ट कर दी है। वाह भाई वाह, मतलब वीआईपी सेटअप होने वाला है। अरे मतलब चेक करें 9:59 हुए हैं और ये तो तिक्के तो लगा भी दिए इन्होंने इसके ऊपर यार। अरे वैसे आज आपने मेन्यू नहीं बताया, हमेशा आप मेन्यू बताते हैं ना, आज मेन्यू में क्या क्या है? टिक्के है, मलाई बोटी है, बीफ बिहारी बोटी है, चिकन बिहारी बोटी है, रेशमी कबाब है, बीफ सीख कबाब है, बीफ धागा कबाब है। हाय हाय हाय, इतना बड़ा मेन्यू तो आज से पहले कभी नहीं था यार, मतलब अब तो मजा ही आ जाएगा आज यार। ये देख रहे हैं ना, मतलब हर डब्बे के अंदर एक वीआईपी सेटअप है, समझ रहे हैं आप लोग? बस यही टेस्ट चाहिए था मुझे ना पाकिस्तान वापस आने के बाद। आय हाय हाय, ये मलाई बोटी लगाई जा रही है इस वक्त, मतलब सारी क्रेविंग मेरी आज के आज ही पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस वक्त जो है ना 10:06 हो चुके हैं, सलमान भाई ने बासित भाई को हायर कर लिया है कि भाईजान जल्दी जल्दी हवा मारो ताकि कोयला तैयार हो जाए। भाई कोयला तकरीबन तैयार हो गया है और अभी टाइम क्या हो गया, 10:09 हो गए। सलमान भाई सिर्फ 4 मिनट रह गए, सिर्फ 4 मिनट पहली बोटी तैयार होनी चाहिए। 10:13 हो गए, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और सलमान भाई की कोशिश है कि किसी तरीके से ये वाली रेडी हो जाए। यूसुफ जब तक बारबेक्यू तैयार नहीं होता तुम जेली खिलाओ ना। और यार इधर आओ ना जरा, कहां भाग रहे हो इधर आओ। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है यूसुफ, यहाँ ये रेड वाली भी अच्छी होगी। रेड वाली तो बहुत अच्छी है, ब्लू से भी अच्छी है। और ये भाईजान 10:15 हो गए और ये भाईजान तैयार हो गई है। तो भाई चैलेंज तो जो है ना सलमान भाई जीत गए। अब गर्मा गर्म जो है ना आपका भाई बोटी निकालता है। ओए होए फुल गर्म है यार, कैसे निकलेगी? बहुत मुश्किल हो गया। ओए होए होए, ये तो बात आ गई है अब इज्जत पे, निकालनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेवल का सीन हो गया भाई, वीआईपी मजा आ गया। ये जो कराची का टेस्ट जबान पे लगा है ना, मतलब मजा ही आ गया यार। मेन्यू के अंदर जो और आइटम्स है वो सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। इतनी देर में सामने मस्जिद है, मैं और यूसुफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए इशा की। मस्जिद बंद हो चुकी थी तो यहाँ पे एक ढाबा था, हमने इशा की नमाज यहाँ पे पढ़ ली। अब जा रहे हैं वापसी बारबेक्यू के सेटअप पे। वो देखें भाई धुएं उठ रहे हैं वहां से ना। आए हाय 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 भाई, पूरा का पूरा मेन्यू तैयार हो गया यार, यहाँ पे तो बेहतरीन हो गया। ये कोई अलग चीज नजर आ रही, ये क्या भैया? ओए होए होए होए, धागा कबाब भी यहाँ पे आ गई भाई, समंदर के पास। भाई गाड़ी के ऊपर डालने वाला कपड़ा यहाँ पे बिछा दिया, फुल माहौल बना दिया, मतलब यहाँ से बोटियां उतरेंगी और डायरेक्ट यहीं पे बैठ के खा लेंगे। आय हाय हाय, आ गया भाई सेटअप आ गया। और बासित भाई ने जो है ना जब तक ये चटनियां वटनियां सब कुछ निकाल दिया है यहाँ पे, फुल माहौल बना दिया है। हाँ बेटा ये क्या चटनी पीनी है तुमने? है ग्लास में डाल के दूँ? और ये आ गया भाई टिश्यू का डब्बा आ गया, ये बोतलें शोतलें आ गई और सब कुछ आना स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, आसरा बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आसरा कर लिया ना तो पीछे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई भाई पहले मलाई बोटी। मलाई बोटी तो वाकई यार मलाई बनी हुई है, मतलब होंठों से ही दब गई पूरी की पूरी। और ये आ गई भाई चटनी के साथ। आहा, और ये आ गई भाई बीफ बिहारी बोटी। आहा, ये तो आएगी चटनी के साथ, मजा करेगी। और ये भाई आ गया टिक्का। और ये आ गई भाई गर्मा गर्म रोटी, गाड़ी के अंदर रख दी थी रोटी तो अभी तक गर्म ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज तो जो है ना स्पाइसी है, लेकिन ये देखें भाई हलवा भी है, हलवा हलवा खा के जो है ना सुकून मिला है, वरना तो जो है ना सबके नाक में से पानी आना स्टार्ट हो गया था। और ये आखिरी आइटम आ गया भाई चिकन सीख कबाब। बासित क्या रिपोर्ट दी? ओके की रिपोर्ट दी, खाना कैसा था? आमिर क्या रिपोर्ट दी? सलमान भाई ले गए आप यार दोबारा, मैं फिर लूट गए आप यार, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। और अभी जो है ना हाथ गर्म कर रहे हैं हम लोग कोयले पे। और अभी ये भी रहती है भाई, ये भी रहती है, अभी हम थोड़ा सा चक्कर लगा रहे हैं ना, मतलब थोड़ी सी जगह बनेगी ना तो इसके बाद फिर ये भी निपटाएंगे। वो देखें भाई सर्दी में जो है ना और भी लोगों ने माहौल बनाया, देखें वहाँ पे भी आग लगाई हुई है कुछ लड़कों ने वहाँ पे भी आग लगाई हुई है। ये देखें भाई आमिर भाई ने जो है ना वॉकी टॉकी लिया है, कौन सी कंपनी का? बाओफेंग का। ये अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे। वाह भाई वाह भाई, आमिर को हमने दूसरा वॉकी टॉकी दे दिया है और मैंने बोला दूर चले जाओ जितना जा सकते हो, इसकी रेंज का पता चलेगा। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। और दूर जाता रहे क्लॉक टावर के पास से चक्कर लगा क्या? ठीक है जा रहे। मैंने इसको जो है ना आमिर को वहाँ भेज दिया, बिल्कुल वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ना क्लॉक टावर, वहाँ तक भेज दिया। ये देखें ये आमिर की गाड़ी जा रही है, ठीक है जी। और
आवाज अभी तक आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। मतलब इसकी रेंज हमारे वाले से भी ज्यादा है भाई। वॉकी टॉकी जो है ना आमिर का कामयाब हो गया। बासित तुमने अमेरिका से मेरे साथ स्प्रे मंगवाए थे ना, ये लो भाई, ये आप लोगों को बता दूं, मिनोक्सिडिल स्प्रे है। ये किस चीज के लिए होता है ये आप लोग जो है ना सर्च कर सकते हैं, सही है। ये वो जो गंजे होते हैं ना जिनके बाल बाल जा रहे होते हैं, ये उनके लिए। भाई रात के जो है ना इस वक्त 11:30 बज गए, मतलब तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर हमारी पूरी की पूरी बारबेक्यू की पार्टी खत्म हो गई। अब हम लोग घर जा रहे हैं। होपफुली आज का व्लॉग भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।